हेलो गाइस, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट फिर से होने वाला है सोडियम मेटल के ऊपर, जिसके लिए हमने पूरा सोडियम मेटल का बॉक्स लिया है। बट हमको जरूरत है एक छोटे से पीस की, और हम आज ब्लास्ट करेंगे ये खाली टीन का डब्बा। तो गाइस, हमने ये एक टीन का डब्बा लिया है, सिंपली इसके ऊपर एक ढक्कन है और हमने इसके अंदर एक छेद किया है। तो इसके अंदर हम पहले पानी डालेंगे, वो भी यहाँ तक, और उसके बाद रस्सी की मदद से इसके अंदर एक सोडियम मेटल का पीस डालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सोडियम मेटल इस टीन के डब्बे का क्या हाल करता है। क्या ये ब्लास्ट हो जाएगा या फिर सोडियम मेटल इसके अंदर टिक जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट, तो फिलहाल ये खाली है और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे एक बोतल पानी। ऑलराइट गाइस, तो हमने फिलहाल इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये है अपना सोडियम मेटल, मेरा फेवरेट केमिकल। ऑलराइट गाइस, तो हमने एक बड़ा पीस निकाल लिया है सोडियम मेटल का, फिलहाल हमको इसी की जरूरत है। और इस पीस को बांधेंगे हम रस्सी की मदद से। तो रस्सी की मदद से इस सोडियम मेटल को पीस को बांध के इसके अंदर डालेंगे और फिर इस ढक्कन को हम लोग लॉक कर देंगे, और इसमें जो साइड से हमने छोटा छेद बनाया है वहां से रस्सी की मदद से हम इसको ड्रॉप करेंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल हम इसको यहाँ रखते हैं, ये रहा हमारा धागा। तो गाइस, इस धागे की मदद से हमने सोडियम मेटल के पीस को बांध लिया है और अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। और काफी सावधानी से हमको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये हमारा सोडियम मेटल का पीस का बॉक्स अब हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको दूर से जाके ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या हाल होता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम इसको ड्रॉप करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या होता है, सोडियम मेटल का पीस इस कैन की क्या हालत करता है। और इसको हमने पूरा लॉक कर दिया है और अब हम इसको ड्रॉप करने वाले हैं। 3, 2, वन। तो गाइस, अगर आप देखना चाहेंगे कि सोडियम मेटल के पीस ने इसका क्या हाल किया, तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का हाल किया एक सोडियम मेटल के पीस ने इस हमारे बर्तन का। और ये काफी बड़ा ब्लास्ट था, इसके आसपास जितने थे पूरी तरफ पानी के छींटे उड़े और ये बहुत दूर तक गया था। तो ऐसा आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।